नमस्कार, मैं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आज शाम 5 बजे तक ही होगा पहले चरण के चुनाव का प्रचार। पूर्व सीएम जीतनराम मांझी ने रामायण को बताया काल्पनिक ग्रंथ। बिहार में बड़ी संख्या में हुआ बीडीओ का तबादला। बिहार के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल बने रचित राज। वायरल फीवर से पीड़ित बच्चों की संख्या बढ़ी। तो चलिए अब जानते हैं शाम तक की खबरों को विस्तार से। आज शाम तक ही होगा पहले चरण के चुनाव का प्रचार। काफी दिनों के इंतजार के बाद आखिरकार 2 दिनों के बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण की वोटिंग की जाएगी और आचार संहिता के मुताबिक आज शाम 5 बजे के बाद पहले चरण के प्रत्याशी चुनावी प्रचार प्रसार नहीं कर पाएंगे। मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के 48 घंटे पहले ही चुनाव प्रचार खत्म हो जाना है। पहले चरण के उम्मीदवारों को अपना चुनावी प्रचार करने के लिए 11 दिनों का समय मिला था। इसके तहत राज्य के 10 जिलों के 12 प्रखंडों में मतदान होने हैं। बताते चले कि 24 सितंबर को पहले चरण की वोटिंग होनी है। इससे पहले राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से मतदान को लेकर सभी जिलों में तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। बिहार में 6 जिलों से कोरोना संक्रमितों की हुई पुष्टि। बिहार में अब गिने चुने कोरोना के मामले पाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते दिन के पिछले 24 घंटे के दौरान बिहार में 6 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। इसके तहत भोजपुर, बेगूसराय, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी और सुपौल जिले से 1-1 मरीज की पुष्टि हुई है। इस दौरान 15 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं, जिसके बाद राज्य में कोरोना के कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 59 हो गई है। वहीं अब रिकवरी दर 98.65% पर पहुंच गया है। बिहार में बड़ी संख्या में हुआ बीडीओ का तबादला। पंचायत चुनाव से 3 दिन पहले बिहार के प्रशासनिक महकमे में बड़ी फेरबदल की गई है। इसके तहत बड़े पैमाने पर प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी कि बीडीओ का ट्रांसफर बीते दिन किया गया। इसे लेकर अधिसूचना ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से बीते दिन जारी कर दी गई, जिसे जारी करने से पहले राज्य निर्वाचन आयोग से सहमति भी ली गई थी। लिस्ट के मुताबिक तकरीबन 56 बीडीओ का नाम है। इनमें से कई का तबादला किया गया है, जबकि कई ऐसे प्रखंड विकास पदाधिकारी भी जो वेटिंग फॉर पोस्टिंग में चल रहे थे, इन्हें भी अलग अलग जगह पर तैनाती दी गई है। बताते चले कि इससे पहले ही कई दफा प्रशासनिक फेरबदल इन्हीं चंद महीनों में की गई। बिहार के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल बने रचित राज। बिहार के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल के रूप में रचित राज कैमूर SP की गोपनीय शाखा में तैनात हुए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने देश के पहले ट्रांसमैन होने की उपलब्धि हासिल की है। 23 साल के रचित 2018 बैच के सिपाही हैं। फिलहाल कैमूर SP के बॉडीगार्ड के रूप में उनकी तैनाती हुई है। रचित राज, जो कि पहले रचना के नाम से जाने जाते थे, उन्हें 5 साल पहले ही एहसास हुआ कि लड़कियों की तरह उन्हें सजना संवरना पसंद नहीं आता, लेकिन समाज में उन्होंने अपनी असली पहचान से मुकरने के बजाय पढ़ाई लिखाई करके पुलिस सेवा में नौकरी को हासिल किया। हालांकि उनका कहना है कि राज्य में ट्रांसजेंडर होकर पहचान बनाने के लिए बहुत मुश्किलें भी झेलनी पड़ रही है, लेकिन रचित ने बावजूद मुश्किलों के मिसाल पेश किया है। जदयू प्रवक्ता ने मुख्यमंत्री की तारीफों में बांधे पुल। बीते दिन राज्य के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ईसाई रोजगार को लेकर सीएम से सवाल किया था और उनकी पार्टी जदयू से पूछा था कि 16 सालों में सीएम नीतीश कुमार ने बिहार वासियों को कितनी स्थायी नौकरियां दी। इस सवाल के जवाब में अब जदयू के प्रवक्ता के बयान आए हैं। प्रवक्ता सुहेली मेहता ने तेजस्वी यादव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि सीएम नीतीश कुमार के काम से बिहार की जनता संतुष्ट है, इसलिए सीएम नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। आगे उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व में ही बिहार में विकास हो रहा है। वायरल फीवर से पीड़ित बच्चों की संख्या बढ़ी। राज्य के कई हिस्सों से बच्चों के बीच वायरल फीवर के मामले बढ़ते देखे जा रहे हैं। बीते दिन मंगलवार को भी विभिन्न अस्पतालों में दिन भर बीमार बच्चों को भर्ती किया गया। जानकारी के मुताबिक अलग अलग जिले से कुल मिलाकर 946 बच्चे सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए पहुंचे। इनमें से 50 गंभीर बच्चों को अलग अलग अस्पतालों में एडमिट कराया गया। दूसरी ओर एक राहत की भी ये खबर है कि 78 बच्चों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी भी मिली है। किसी भी बच्चे में चिकनगुनिया, मलेरिया या फिर अन्य कोई बीमारी के लक्षण नहीं पाए गए हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि पीड़ित बच्चों की जांच में 2 डेंगू से संक्रमित पाए गए हैं। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने वाले 46% लोग टेस्टिंग ट्रैक में हुए फेल। पटना के DTO कार्यालय में 1 से 16 सितंबर के दौरान 596 लोगों ने ईसाई लाइसेंस बनवाने के लिए ड्राइविंग टेस्ट दिया था, जिसमें से केवल 320 अभ्यर्थी ही पास कर पाए, जबकि 46% लोगों ने इस टेस्ट में फेल किया, यानी कि 276 लोगों ने फेल किया। दरअसल लाइसेंस मुहैया कराने के लिए नियम बदल गए हैं। पहले मैनुअल टेस्ट में हल्की गलती के बावजूद भी लोगों को पास कर दिया जाता था, मगर अब नई टेस्टिंग ट्रैक पर कैमरे के जरिए व्यक्ति के गाड़ी चलाने के हर पल को रिकॉर्ड किया जाता है, जिससे छोटी भूल भी रिकॉर्ड होती है और ऐसे में लोगों को ड्राइविंग टेस्ट में फेल कर दिया जाता है।
देश के पहले दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान की जयंती पर उनके गांव पहुंचे चिराग पासवान। बीते दिन लोजपा सांसद चिराग पासवान ने देश के पहले दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री की जयंती पर पूर्णिया में उनके पैतृक गांव बैरगाछी पहुंचे थे। इस दौरान चिराग ने 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके भोला पासवान शास्त्री के परिवार से मुलाकात की, वहीं उनकी प्रतिमा पर भी माल्यार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज अगर पिता रामविलास पासवान जीवित होते तो वह भी जरूर आते, लेकिन उनके नहीं रहने पर आज मैं उनकी जगह आया हूं और आज पूरा समय इस परिवार और इस गांव के लिए है। वहीं चिराग के इस दौरे को लेकर जदयू के मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि पूर्व सीएम भोला पासवान शास्त्री के नाम पर चिराग पासवान राजनीति कर रहे हैं। मंत्री अशोक चौधरी और जनक राम की बड़ी मुश्किलें। बिहार सरकार में भवन सन्निर्माण मंत्री अशोक चौधरी और जनक राम के एमएलसी मनोनीत होने को लेकर एक याचिकाकर्ता ने पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार करते हुए सुनवाई की। दरअसल वेटरन फोरम की ओर से दायर याचिका में मनोनयन को चुनौती दी गई है। आवेदक के वकील ने बताया कि इन्होंने एमएलसी पद पर मनोनयन के समय स्वयं के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी थी। राज्यपाल के द्वारा मनोनयन के समय मंत्री होने की जानकारी नहीं दी गई थी, जबकि संविधान के अनुच्छेद 171 के तहत इन्हें जानकारी देनी थी। इस याचिका के बाद इन दोनों ही नेताओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने रामायण को बताया काल्पनिक ग्रंथ। बिहार की सियासत में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के एक बयान से गहमा गहमी तेज हो गई है। दरअसल जीतन राम मांझी ने हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ रामायण की सत्यता पर सवाल उठा दिए हैं। मीडिया से बातचीत में उनसे रामायण को स्कूली सिलेबस में शामिल करने को लेकर सवाल पूछा गया था, जिस पर उन्होंने कहा कि वह रामायण को सही नहीं मानते हैं, यह एक काल्पनिक ग्रंथ है, इसकी कहानी को वह सत्य नहीं मानते हैं। वही मांझी के इस बयान पर एनडीए में ही विवाद शुरू हो गया है। एनडीए के से बड़े घटक दल बीजेपी ने नाराजगी जताती है। भाजपा ने कहा है कि रामायण एक सच है जिसे नकारा नहीं जा सकता है। वहीं राजद ने एनडीए के घटक दलों से अपना पक्ष स्पष्ट करने की मांग की है। बिहार कांग्रेस ने पंचायत चुनाव में ईवीएम और वीवीपैट के इस्तेमाल पर जताई आपत्ति। बिहार में पहली बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में वोटिंग को ईवीएम के जरिए भी कराया जाएगा, लेकिन पहले चरण की वोटिंग से पहले प्रदेश कांग्रेस ने चुनाव कराने के तरीके पर सवाल उठाए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के रिसर्च विभाग ने पंचायत चुनाव के मद्देनजर 4 पन्नों का फोल्डर तैयार किया है, जिसमें 16 साल की यात्रा विकेंद्रीकरण से तबाही तक के जरिए कई बातों को सामने रखा गया है। इसके तहत कांग्रेस ने वीवीपैट और ईवीएम के प्रयोग को संदेहास्पद बताया और कहा कि हाईकोर्ट में इसके लिए याचिका भी दायर की गई है, जिसके फैसले का इंतजार है। बिहार में मायावती की पार्टी को लगा झटका। उत्तर प्रदेश के चुनाव में मायावती और उनकी पार्टी बसपा व्यस्त है। इधर बिहार में उनकी पार्टी को हानि हुई है। दरअसल बीते दिन पूर्व सीएम व हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी के आवास पर जनता दरबार का आयोजन किया गया था, साथ ही एक मिलन समारोह भी आयोजित था। इसी दौरान वहीं आयोजित मिलन समारोह में बसपा के प्रदेश महासचिव मोहम्मद कमालुद्दीन अपने समर्थकों के साथ मांझी के सामने हम पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। बता दें कि कमालुद्दीन की पहचान उत्तर बिहार में पार्टी के दिग्गज नेता के रूप में है। ऐसे में बिहार में बसपा को झटका लगा है। इससे पहले बसपा के विधायक जमा खान ने भी इस साल की शुरुआत में ही जदयू का दामन थामा था, जिसके बाद जमा खान को अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री भी बनाया गया था। लालू यादव ने किया राजद के प्रशिक्षण शिविर को वर्चुअली संबोधित। राष्ट्रीय जनता दल के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समापन आज है, जहां बीते दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शिविर का उद्घाटन करते हुए दक्षिण बिहार के राजद कार्यकर्ताओं को कई गुण सिखाए। तो वहीं आज समापन दिवस पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद वर्चुअली माध्यम से इस शिविर में जुटे जिलाध्यक्षों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने संगठन की मजबूती के बारे में बात की, साथ ही संगठन में उनकी जिम्मेदारी और पार्टी की नीतियों के बारे में जिलाध्यक्षों को कई बातें सिखाई। बताते चले कि राजद इन दिनों अपनी पार्टी पदाधिकारियों को अनुशासन और राजनीति के सिद्धांतों के बारे में सिखाने में जुटी है। प्रिंस राज की जमानत याचिका पर जज ने फैसला सुनाने से किया इनकार। लोजपा सांसद प्रिंस राज के मामले में फैसला सुनाने से दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने मना कर दिया है। कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने बीते दिन खुद को इस मामले से अलग कर लिया। इससे पहले सोमवार को उनके द्वारा जमानत याचिका पर फैसला सुनाया जाना था, लेकिन उन्होंने इसे मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया था। हालांकि मंगलवार को उन्होंने इस मामले से खुद को अलग कर लिया। मामले में आगे की कार्रवाई तय करने के लिए अब मामला जिला न्यायाधीश के पास स्थानांतरित कर दिया गया है। आपको बताते चले कि दिल्ली पुलिस ने प्रिंस को हिरासत में लेने को जरूरी बताया था।
राजस्थान रॉयल्स ने पॉइंट्स टेबल में मारी छलांग। पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मंगलवार 21 सितंबर को हुए इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल 2021 के 32वें मुकाबले के बाद राजस्थान रॉयल्स की स्थिति फिलहाल के लिए अच्छी हो गई है। इसने 5वें नंबर पर जगह बना ली है। वहीं पंजाब की टीम को बड़ा झटका लगा है क्योंकि टीम की हालत अंक तालिका में बहुत खराब हो गई है। पंजाब किंग्स को अब अगर आईपीएल 2021 के प्ले ऑफ के लिए आधिकारिक रूप से क्वालिफाई करना है तो फिर अपने बाकी बचे 5 मैच उन्हें जीतने होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार 2 दिन बाद होने वाले पंचायत चुनाव में किस आधार पर आप मुखिया को वोट देंगे। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बिहार से जुड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।